नमस्कार, आप देख रहे हैं पुलिस वाला वेब न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। यंग ब्रदर्स समिति ने की बुंदेलखंड राज्य की मांग। झांसी वहीं कस्बा समथर में यंग ब्रदर्स समिति द्वारा बुंदेलखंड जागृति यात्रा का कार्यक्रम किया गया। कार्यक्रम में लोगों को बुंदेलखंड की ऐतिहासिक विशेषताओं के बारे में बताया एवं बुंदेलखंड राज्य की मांग के लिए बुंदेलखंड जागृति शोभा यात्रा निकाली गई। वहीं भारत सरकार से मांग की कि जल्द से जल्द बुंदेलखंड को पृथक राज्य का दर्जा दिया जाए, अन्यथा समिति ने ठोस कदम उठाने का निर्णय लिया है। अगर भारत सरकार 18 सितंबर 2023 तक बुंदेलखंड को पृथक राज्य का दर्जा नहीं देती है तो 19 सितंबर 2023 से श्री राम राजा सरकार ओरछा धाम की आरती कर समिति करेगी अनिश्चितकालीन धरना। कार्यक्रम में उपस्थित मुख्य अतिथि परम पूज्य गुरुदेव श्री सीताराम महाराज परम कुटी धाम पहाड़पुरा, जिनका माल्यार्पण राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवम उदयनिया जी ने किया। कार्यक्रम में उपस्थित राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सैफ खान मेवाती जी, राष्ट्रीय प्रबंधक भीम सिंह जाटव, राष्ट्रीय सचिव दीपक नामदेव, राष्ट्रीय व्यवस्थापक प्रदीप कुशवाहा, राष्ट्रीय प्रभारी साहिल खान, राष्ट्रीय उपप्रबंधक गौतम सिंह, राष्ट्रीय मंत्री निहाल सिंह चौहान, श्याम दुबे, शिव नारायण दुबे, अयोध्या प्रसाद दुबे, शिशुपाल सिंह पाल, राशिद मेवाती, समीर नीखरा, मोहित कुमार, मोनू चौहान, करण कुशवाहा, समीम मेवाती, दिलीप कुशवाहा, आदिल खान, यासिर हुसैन, पवन चतुर्वेदी, राघवेंद्र सिंह जादौन, सत्येंद्र गुर्जर, रवि जाटव, ध्रुव गुर्जर, रवि कुशवाहा, प्रिंस नामदेव, राज वर्मा, हीरू वर्मा, परशुराम कुशवाहा, सुमित कुशवाहा, कृष्णपाल सिंह गुर्जर इत्यादि सदस्य मौजूद रहे। कार्यक्रम का संचालन गौरीशंकर पांचाल ने किया। क्या नाम है आपका? आज जो रैली निकाली जा रही है वो किस संबंध में निकाली है आपने? जी, मेरा नाम शिवम उदयनिया है, यंग ब्रदर समिति राष्ट्रीय अध्यक्ष। ये सब हमारी समिति है और आज की जो यात्रा है ये बुंदेलखंड जागृत यात्रा है। हम सभी का ये निर्णय है कि बुंदेलखंड राज्य, काफ़ी दिनों से इसकी मांग चल रही है, काफ़ी सालें हो चुकी हैं लेकिन अभी तक इसको राज्य का दर्जा नहीं दिया गया, जिसके लिए हम सभी ने बैठक की, मीटिंग की, समिति बनाई, उसके बाद ये दृढ़ संकल्प लिया कि हम सब की ये आवाज़ है, बुंदेलखंड भारत का ताज है, इसी को आगे बढ़ाते हुए हम सब बुंदेलखंड राज्य की मांग कर रहे हैं और जब तक बुंदेलखंड राज्य नहीं बनाया जाएगा तब तक हम लोग आंदोलन करते रहेंगे। आंदोलन की रूपरेखा है और जिसको 1 मार्च 2022 से 18 सितंबर 2023 तक जो पैदल यात्रा है पूरे बुंदेलखंड की, चित्रकूट धाम से जो कि स्टार्ट होगी और ओरछा धाम तक 18 सितंबर 2023 तक ये यात्रा रहेगी हम सभी की, और उसके बाद एक दिन बाद 19 सितंबर 2023 से अनिश्चितकालीन जो है धरना प्रदर्शन हमारी समिति करेगी। जब तक बुंदेलखंड को राज्य नहीं बनाया गया तो ये आंदोलन अनिश्चितकालीन है, हमेशा चलता रहेगा जब तक बुंदेलखंड राज्य नहीं बनता है। यह पूरी मातृभूमि, जय मातृभूमि, आज जो रैली निकाली जा रही है वो कहाँ से कहाँ तक निकाली जाएगी? ये रैली जो है यहाँ डिग्री कॉलेज समथर नगर समथर भ्रमण करेगी, पूरे नगर में जो है बुंदेलखंड की आवाज़ उठाएगी और जनजागृत जो यात्रा है जिससे कि बुंदेलखंड के प्रति सभी की भावना जागृत हो और बुंदेलखंड की हम सब मिलकर एकता के रूप में आगे बढ़कर आवाज़ उठाएँ।